पश्चिमी चंपारण जिला में एक बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया है। चार चार लोग मिल करके एक बेटी के साथ दुष्कर्म किए हैं। गाड़ी बंद है बाहर से, वही बस लाते ठक ठक आते नहीं बेचारी को आदमी कोई लड़का वही बस ठक ठक आते बेचारी कोई कवाड़ी नहीं के खोल हमारे तारीख किया था हमारा होश चला लो वही बस कहा था हम खाना खा बेचारे बीस चाल लिया लोग मैंने नाम होटल में था ना नाम होटल ना जब गाड़ी भारी चाहिए गाड़ी भारी खबर सुने हैं तो थोड़ा हमको भी मतलब दिल में दुख लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थाना आया ना तो बोला कि जाकर उनसे बोलो कि थाना आया है उनकी लड़की महिला थाना में है। अच्छा मतलब यहाँ आया था थाना। हाँ आया गांव में जी। नमस्कार, अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के कैथवलिया में मौजूद है। जिस तरह निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, उसी तरह की एक कांड हमारे बिहार की पश्चिमी चंपारण जिला में एक बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया है। चार चार लोग मिल करके एक बेटी के साथ दुष्कर्म किए हैं। वही बस लाते ठक ठक आते नहीं बेचारी को आदमी कोई लड़का वही बस ठक ठक आते बेचारी कोई कवाड़ी नहीं के खोल के जानते नहीं खोल कोई बस हम चिल्लाते नहीं कौन काम कर हम फिल्म के शूटिंग निकाल जाते रहिए बने मेरे बेटा बस माई बाबू निकाल देला घर से तो हट 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 घर से निकाल दे हमें घर से करे फिल्म का तुम गाने निकाले हमारा होश चला वही बात कहा था हम खाना खा खाना खा अभी हम उन्हीं के गांव में मौजूद है। गांव में बिल्कुल तरह सन्नाटा सा फैला हुआ है। सामने जो छोटा सा एक आप गली देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं, यही उस लड़की का गांव है। उस गांव में जाने के बाद हम लोगों ने जब वहां के लोगों से पूछने की प्रयास की, फिर किसी भी व्यक्ति के मुंह जबान से वो बात नहीं निकल रहा था। कहीं ना कहीं हमारे बिहार की बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा का सम्मान का बात रहा, जिससे लोग बोलने में भयभीत हो रहे हैं। भयभीत क्या, प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। हम लोग कल बेटी के पिता से भी मिले थे, लेकिन वो भी जवाब देने में नकर चुके हैं। उन्होंने अपने दरवाजे पर हम लोगों को बुलाया था कल के डेट में कि कल आइए हमारे दरवाजे पर, और हाँ एक एक बात को हम बताएंगे, क्योंकि आज हमारी बेटी के साथ में जिस प्रकार घिनौना हरकत की गई है, शायद उस प्रकार बिहार के किसी के बेटी के साथ में इस प्रकार का कोई कांड नहीं हो सके। अभी उसी सड़क पर मौजूद है, थोड़ी ही दूर में उनका गांव है। पश्चिमी चंपारण जिला की एक बेटी थी जिसके साथ में आज तीन रोज पहले गैंग रेप किया गया। कंट्रेक्टर बस चालक था, खलासी था। इसके विषय में कुछ मालूम है आपको? जी ना, हम लोग तो घर पर थे, बाद में कॉल परसों शाम को जाने हम। मतलब आपको पता लगा? जी परसों। मतलब क्या पता लगा आपको? जी वो लड़की महिला थाना में आई हुई है। महिला थाना में? बस इतना ही। उसके आगे कुछ पता नहीं कुछ लगा पता कि बेटी के साथ में गैंगरेप किया गया ना? ये सब इनके साथ किया गया ना? ना वो सब थाना बताया कि जी लड़की महिला थाना में आई हुई है। अच्छा, महिला थाना में गई हाँ, थी बस इंसाफ के लिए। अब जिसके लिए गई थी, लेकिन मतलब अगर 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 उनके पिता अगर आपके पास आ जाए कि मेरे बेटी के बेटी का गैंगरेप अगर हुआ है, तो क्या आपके यहाँ के नौजवान लोग साथ नहीं देते? थाना आया ना तो बोला कि जाकर उनसे बोलो कि थाना आया है उनकी लड़की महिला थाना में है। अच्छा मतलब यहाँ आया था थाना? हाँ आया गांव में जी। मतलब सूचना देने के लिए? सूचना देने के लिए। यही आपको पता लगा? बस। क्या आप मतलब उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं बताएं आप? मिलना चाहिए नहीं, इन्हीं को सूचना पहले मिली। प्रशासन जब गांव में आई तो इनको सूचना मिला। हम लोग अब मतलब निराश होकर के इस गांव से वापस जा रहे थे कि आज हमारे बेटी का जो सम्मान गया है, शायद हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उनको इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं। लेकिन यहां आने के बाद कहा जाता है ना कि चींटी जब पानी में गिरती है तो तिनका का सहारा मिलता है जो जा करके निकल जाती है, तो हम लोगों को भी इनका सहारा मिला ताकि ये यहाँ मिल गए। मैं खबर भी बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने सोचा अपने मन में कि क्यों नहीं मैं इनके गांव में ही खड़ा होकर के इस खबर को दिखाऊं बिहार सरकार के पास तक कि आप अपने पुलिस प्रशासन को किस प्रकार रखे हैं, और इस बस चालक और कंट्रेक्टर और खलासी पीस किस प्रकार बिहार की एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, उसको सजा मिलना चाहिए, फांसी का सजा मिलना चाहिए। मैं इसके विषय में बात करूंगा। और देखिए और भी यहाँ लोग हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ करेक्ट है। क्या करेक्ट बोले चाचा? थोड़ा करेक्ट है बात। अच्छा ये जो बात है जो हम बच्ची
के बारे में बता रहे हैं, क्या बात हकीकत है या गलत? हकीकत है। इसके विषय में पता लगा था आपको? हम तो परदेश रहते हैं। अच्छा। लेकिन हमें जब खबर सुने हैं तो थोड़ा हमको भी मतलब दिल में दुख लग गया है कि हम मतलब सुनने को मिला है आपको? हाँ, सुनने को मिला कल, परसों मिला है हमारे को सुनने को। हम परदेश में रहते हैं, लेकिन कल आपके सामने भी हो सकता है घटना, हमारे सामने भी हो सकता है घटना, आपके भी बेटी होगी, हमारी भी बेटी हो सकती है, किसी के बेटी के साथ में ऐसा घटना ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर को शेयर करते रहें।